भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। ये जानकारी इसरो की तरफ से दी गई है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 मिशन ने पहली कामयाबी हासिल की है। आदित्य L1 से सौर किरणों का पहला हाई एनर्जी एक्सरे निकला है। आदित्य L1 बोर्ड पर हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने सौर ज्वालाओं के आवेगी चरण को कैद भी किया है। इसरो ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डेटा शोधकर्ताओं को और सौर ज्वालाओं के आवेगी पूर्ण चरणों के दौरान विस्फोटक एनर्जी रिलीज और इलेक्ट्रॉन त्वरण का अध्ययन करने में सक्षम है। HEL-1OS को UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के स्पेस स्पेक्ट्रोनॉमी ग्रुप द्वारा विकसित किया गया था। इसरो के एक वैज्ञानिक ने बताया कि सोलर फ्लेयर की पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे झलक को दर्ज करना इस बात का संकेत है कि मिशन अब तक उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अक्टूबर को अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान आदित्य L1 अंतरिक्षयान में लगे हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने सोलर फ्लेयर को रिकॉर्ड किया है। सोलर फ्लेयर और वातावरण का अचानक चमकना है। रिकॉर्ड किया गया डेटा राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन के भूस्थितिक परिचालन पर्यावरणीय उपग्रह द्वारा प्रदान किए गए एक्सरे प्रकाश के अवयवों का अनुरूप है। इसरो ने आगे अपडेट देते हुए बताया कि आदित्य L1 तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। यान अच्छे से काम कर रहा है। बीते महीने यानी अक्टूबर में 16 सेकंड के लिए इसमें सुधार किया गया। इसरो ने अपने बयान में आगे कहा कि ट्रांसलेक्जियल पॉइंट को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए पथ को सही करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। सूर्य पर अध्ययन करने के लिए निकला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर L1 बिंदु की परिक्रमा करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यान ने पृथ्वी से 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। यान पूरी तरह से पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो चुका है। आदित्य L1 मिशन 2 सितम्बर को इसरो ने लॉन्च किया था। मौजूदा समय में आदित्य L1 सुरक्षित रूप से सूर्य की ओर अग्रसर है। बताया जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन जनवरी 2024 के शुरुआती सप्ताह में सूर्य के L1 बिंदु तक पहुंच जाएगा। फिलहाल आदित्य L1 को लेकर दुनिया भर की निगाहें इसरो पर टिकी हुई हैं। आदित्य L1 सूर्य के कई रहस्यमय चीजों से पर्दा उठाएगा।